नमस्कार दोस्तों, इनकी आयु 31 इयर्स प्लस 5 मंथ हो चुके हैं। इनके जीवन के सारे उतार चढ़ाव देखने की कोशिश करते हैं। साइन है इनके हाथ में तो पैसे का फ्लो तो हमेशा रहेगा, पर सामने धन रेखा कमजोर है तो एक्सपेंसिव लाइफ भी रहेगी। अब इनके हाथ को देखें तो यहाँ पर धनुषाकार रेखा बन रही है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा पाम स्क्वायरिश है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। जब किसी का ये पार्ट यहाँ पे इस तरह का हो तो ऐसे लोगों को देखा गया है म्यूजिक लवर, यानी संगीत के शौकीन होते हैं ये लोग। फर्स्ट फैलाएं नुकीला तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकेंड फैलाएं अच्छा है, लॉजिक के साथ ये अपनी बात रख पाते होंगे जहाँ ज़रूरत होगी। और हथेली के मुकाबले में अंगूठा इतना बड़ा नहीं कहूँगा मैं, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज नेचर रहता है व्यक्ति का। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और जिनकी भी उंगलियाँ थोड़ी सी भी नुकीली हो फर्स्ट फैलेंज तो इम्पल्सिव पर्सनैलिटी होती है, यानी धीरज की कमी होती है इनमें। सूर्य की उंगली बड़ी है तो ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुँचती है। व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइन है, पर बुध पर्वत यहाँ पर थोड़ा सा दबा हुआ है, तो अपनी बात नहीं रख पाते, चाहे वो पारिवारिक मीटिंग में बैठे हो या बिजनेस मीटिंग में बैठे हो। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूँगा। और ये जो लाइन है ये ज़्यादा हो तो दो चार भाषाओं के जानकार होते, बोलने ना आए तो समझ में आती है, बिजनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है। और ये लाइनें व्यक्ति को सुंदरता भी देती है। यहाँ पर उभारो तो व्यक्ति को नाम के प्रति बहुत जागरूकता रहती है। छोटा भी काम करे तो इनका मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। अब इनकी साइनों की ओर चलते हैं। एक साइन यहां पर है, एक छोटी सी साइन यहाँ पर भी दिख रही है, एक यहाँ पर भी है और एक व्यवस्थित साइन इस जगह पर है। एक ये अच्छी है और एक और है इनके हाथ में। ये साइन अच्छी है और एक इसके पास में भी है पर ये छोटी है। तो साइन है तो है, मनी तो फ्लो बना रहेगा इनके जीवन में। जब यहां पर उभारो तो व्यक्ति को सुबह उठने में आनंद फील नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। और शनि पर्वत फ्लैट है तो आलस क्या होता है पता ही नहीं होता। एक बार सुबह उठ गए उसके बाद एक्टिव। मेरे ज्ञान के अनुसार ये जुपिटर माउंट काफी अच्छा है, पारिवारिक सांसारिक समस्याएं देने वाला माउंट नहीं लग रहा है। हाँ, बड़ा है तो खाने के शौकीन होते हैं ये लोग।
और थोड़ा तो वजन देता ही है जब जुपिटर आपका अच्छा हो। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवाभावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित होगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोग जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना कर रहा है। यहाँ पर एक दो छोटी छोटी लाइनें नज़र आ रही है। इस तरह की लाइन हो तो पिता की ओर से, जीजा की ओर से या भाई की ओर से कभी न कभी आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में तकलीफें उठानी पड़ती है। बाहरी मंगल अति उत्तम है, अपनी छाप छोड़ते ये लोग जब किसी व्यक्ति को एक बार मिलने में। तो अब इनका चंद्र पर्वत भी देखो तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, यानी काफ़ी उत्तम है। इस तरह का चंद्र पर्वत हो तो उस पर ट्रायंगल मिलना आसान बात होती है, ऐसा मैंने देखा है। अगर ट्रायंगल हो तो विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर नहीं होगा ट्रायंगल, इस फोटो में तो कहीं पर दिख नहीं रहा है, अगर ट्रायंगल नहीं होगा तो ये लोग जब पैसा कमाते तो फॉरेन घूमने भी जाते हैं। यही पर्वत व्यक्ति को अच्छा बार्गेनर बनाता है, अच्छा परचेसर बनाता है। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है और नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। अब शुक्र पर माइनस पॉइंट है, ये बारीक बारीक रेखाएं आपको दिख रही होगी। ये जितनी ज़्यादा रेखाएं होती है तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को बांध के रखती है, जकड़ के रखती है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पकड़ के रखा हो। शुक्र पर्वत मध्यम है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत उभार वाला है। और ये शेर सट्टे की लाइन है, ऐसे लोग बारीक लाइन है तो ये ऑप्शन इस तरह का या डे ट्रेडिंग, इस तरह का कोई भी कार्य ये कर सकते हैं। अब हृदय रेखा भी देखिए पूरी घुमाव ले रही है। ऐसे लोग भावुक होते हैं, भावनाओं में निर्णय लेते हैं। देवदूत तरह की पर्सनालिटी होती है। इनका आपने बुरा भी कर लिया तो भी ये आपका कभी बुरा नहीं सोच पाते, आपका भला ही सोचते हैं। प्यार का प्रदर्शन करने वाले लोग होते हैं। हाथ में हाथ डाल के घूमना, लव एंड एफेक्शन दिखाना, ये इनको बहुत अच्छी तरह से आता है, इस तरह की हृदय रेखा वाला। पर लोग इनको मूर्ख भी बनाते हैं, इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है लाइन है, और ये फ्लड लाइन है। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन अति उत्तम है, यहाँ से शुरुआत हो रही है और सीधी चलकर यहाँ पर फोर्क बन रहा है। अब ये जो फोर्क बन रहा है इसके दो मायने हो सकते हैं। मुझे लगता है ये राइटर फोर्क है। ये अगर इस तरह से लाइन निकलती है और निकल भी रही है तो ऐसे लोग लेखक भी बनते हैं, इनकी किताबें भी छपती है। क्लियर कट फोर्क है। ऐसे लोगों की किताबें भी छपती है। अब जीवन रेखा पर चले तो जीवन रेखा पर एज ऑफ 27 में इस लाइन ने इनकी शादी कराई। दूसरा फोटो यूज करता हूँ, वो ज़्यादा क्लियर है। इस लाइन ने एज ऑफ 27 में
इनकी मैरिज कराई। उसके बाद इसी पीरियड के आसपास मुझे नीचे जाती रेखा भी दिख रही थी, तो कोई उस पीरियड के आसपास, शादी के पीरियड के आसपास कोई नियर एंड डियर की भी डेथ हुई होगी, या तो पहले या बाद में। उसके बाद राहु रेखा है, लेट थी, इस राहु रेखा की वजह से यह वर्तमान में मेरे पास आए हुए है। ये 31 के आसपास की राहु रेखा है। उसके बाद एक राहु रेखा आएगी, इतनी बड़ी तो नहीं है पर है जरूर, एक 34 में आएगी, एक 36 में आएगी, और बहुत बार यहाँ पर इंजरी देने के बाद अगर ये आगे यहाँ पर भी कभी कभी परेशान करती है तो ये एज होगी 38 के आसपास। उसके बाद सॉरी, उसके बाद एज ऑफ 44 में एक राहु रेखा काटेगी। उसके बाद 47 में पीछे की तरफ से ऑफशूट है। 47 के बाद से लेकर ये 52 की राहु रेखा और ये 58 की राहु रेखा, पर इसके बीच में ये ऑफशूट हो गया, इसका मैंने जानकारी दे दिया। यहाँ से जो चालू होगी बड़ी राहु रेखा, ये 52 में है और एक 58 में है, उस पर ये छोटी छोटी राहु रेखाएं इनको डिस्टर्ब करते रहेगी। इनको मेरी सलाह है, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाए तो ये छोटी राहु रेखा ये तो निकल भी जाएगी। उसके बाद कोई राहु रेखा नजर नहीं आ रही है, और जिसकी जीवन रेखा ऐसे थोड़ी सी चंद्र पर्वत तक भी जाए तो ऐसे लोग अपने जन्मस्थल से दूर जाते देखा गया या जन्मस्थल पर रहकर दूर का काम करते हैं, और ये फोर्क व्यक्ति को यात्राएं भरपूर कराता है। अब यहां पर एक कट नजर आ रहा है, ये कोई ना कोई पारिवारिक एक्सपेंस आ सकता है इनको एज ऑफ 32 के आसपास। उसका छोटे सा कट है 36.5 के आसपास, ये इन्वेस्टमेंट लाइन लग रही है एज ऑफ 47 के आसपास। बाकी इनकी धन रेखा ईश्वर ने इनको साइने तो दे दी और चाहिए वैसी स्ट्रांग धन रेखा नहीं दी है, एक जैसी चल रही है पर स्ट्रांगनेस नहीं है किसी भी पार्ट में। कहीं पर एक थोड़ा सा ऐसा आ गया तो इस पीरियड में हो सकता है व्यक्ति थोड़ा सा ज़्यादा अर्निंग कर ले, और ये पीरियड होगा बस अभी से लेकर 35 तक, फिर यहाँ पर भी अच्छा कर सकता है और फिर यहाँ से फिर ये कमज़ोर। ये जो मैंने बताया ये भी कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है, पर ये अप टू एंड तक इसी तरह की धन रेखा है, अप टू एंड तक स्ट्रांगनेस नहीं है। तो ऐसे लोगों के जीवन में जो साइन होती है उसका 100% फल नहीं मिलता, और जो मिलता है उसमें भी एक्सपेंसिव लाइफ होती है, खर्चीला रहता है। इसका भी उपाय चाहेंगे तो मैं दे दूंगा। हाँ, बाकी पैसे से जीवन भर तकलीफ नहीं आने वाली है, पैसा आते रहेगा जीवन में पर हाथ खुला रहेगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और अप टू एंड तक जीवन जिएंगे तब तक धन रेखा इसी तरह की है। आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।